प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे सेंटेंसेस जरूर सुने होंगे कि वह जोरू का गुलाम है, वह अब जोरू का गुलाम बन गया है, उसका पति जोरू के गुलाम से कम नहीं, वह मजबूरी में जोरू का गुलाम बना है, जोरू का गुलाम बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है। अब जोरू के गुलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, अगर नहीं पता तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और सीखिए जोरू के गुलाम का इंग्लिश वर्ड, इसके सिनोनिम्स, इसके एंटोनिम्स और इसके आम बोलचाल के एग्जांपल्स। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इंग्लिश का फंडा। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, जोरू के गुलाम को इंग्लिश में कहते हैं हैंडपैक्ड, HENPECKED, हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड का इंग्लिश में मतलब होता है अ हस्बैंड हु ऑलवेज डज व्हाट हिज वाइफ टेल्स हिम टू डू, यानी एक ऐसा पति जो वही करता है जो उसकी पत्नी उसे करने के लिए कहती है, यानी पत्नी का आज्ञाकारी पति, यानी जोरू का गुलाम। इसके सिनोनिम्स होते हैं प्यारे दोस्तों डोमिनेटेड, डाउनट्रोडन, नेग्ड, सब्जुगेटेड। इसके एंटोनिम्स हैं विलफुल, अग्रेसिव, डोमिनेटिंग, सेल्फ असर्टिव। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह जोरू का गुलाम है, आप इसे बोलेंगे ही इज अ हैंड पैक्ड मैन, ही इज अ हैंड पैक्ड मैन। वह अब जोरू का गुलाम बन गया है, नाउ ही हैज बिकम अ हैंड पैक्ड मैन, नाउ ही हैज बिकम अ हैंड पैक्ड मैन। उसका पति जोरू के गुलाम से कम नहीं, हर हस्बैंड इज नो लेस देन अ हैंड पैक्ड मैन, हर हस्बैंड इज नो लेस देन अ हैंड पैक्ड मैन। वह मजबूरी में जोरू का गुलाम बना है, ही हैज बिकम अ हैंड पैक्ड मैन इन कंपल्सन, ही हैज बिकम अ हैंड पैक्ड मैन इन कंपल्सन। जोरू का गुलाम बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर बिकमिंग अ हैंड पैक्ड मैन, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर बिकमिंग अ हैंड पैक्ड मैन। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, जोरू के गुलाम की ससुराल में बहुत इज्जत होती है, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।